कोरोना महामारी काल में अमेरिका की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। बता दें, अमेरिका में लाइलाज कैनेडा और इसके मामलों की जानकारी मिली है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने गुरुवार को डलासा के क्षेत्र के दो अस्पतालों और वॉशिंगटन डीसी के एक नर्सिंग होम में इस लाइलाज फंगस के मामलों की जानकारी दी है। कैनेडा और ईस्ट का एक खतरनाक रूप है। इसे गंभीर मेडिकल कंडीशन वाले रोगियों के लिए बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि रक्त प्रभाव में संक्रमण और यहां तक कि मौत की वजह बन सकता है। बता दें, सीसीबी के मेगन रायन ने कहा कि वो पहली बार कैनेडा और इसके क्लस्टर को देख रही। आपको बता दें, वॉशिंगटन डीसी नर्सिंग होम में कैनेडा और इसके 101 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इसमें से 3 ऐसे मामले हैं जो सभी 3 प्रकार के एंटी फंगल दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधी थे।